हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास सिक्स के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 का, जो है मैप्स। अब देखो, आपने मैप नाम तो बहुत ही बार सुना होगा, कोई नया नाम नहीं है जो आपने सुना होगा, बट मैप्स होते क्या हैं, ठीक है? मैप्स की ज़रूरत क्या है, मैप्स की नीड क्या है, मैप्स हमारे किस काम आते हैं, मैप्स कैसे हमारी पढ़ाई को ईजी कर पाते हैं। अब आपने ये तो देखा ही होगा ना कि कोई भी मैप की जब भी हम बात बताते हैं तो हम क्या करते हैं, जगह को देखते हैं वहाँ पर कि ये वाली जगह यहाँ है, ये वाली जगह यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है? तो वही होता है मैप का काम। अब थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर 2 में हमने ग्लोब की बड़ी तारीफ करी थी कि ग्लोब हमारे कितने काम का है, पूरी दुनिया को हम ऐसे नहीं देख सकते, पूरी दुनिया में हम नहीं बता सकते कौन सी जगह कहाँ है, तो हमने ग्लोब बनाया, ठीक है? ग्लोब के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ग्लोब के भी कुछ लिमिटेड फ़ायदे हैं। लिमिटेड कैसे? अब देखो, अगर आपको कोई एक चीज़ देखनी है जो पूरी पृथ्वी पर गाएँ तो ठीक है, ग्लोब से काम चल गया, लेकिन अगर आपको कोई एक देश देखना है, कोई एक कॉन्टिनेंट देखना है, कोई एक जगह देखनी है, तो आप पूरी पृथ्वी पर आप कैसे इमेजिन करोगे, पूरे ग्लोब पर आप कैसे देखोगे, ठीक है? तो हम नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करते हैं, एक तरह का मैप करते हैं। मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे अर्थ की सरफेस की ड्राइंग का, जो हमने फ्लैट कर लिया। मान लो एक बॉल है, ठीक है? अब आपने एक बॉल ली, बॉल पे कुछ भी मार्क कर दिया, ए बी सी डी या फिर कोई भी जगह, जैसे ये कोई भी एक कॉन्टिनेंट है, कोई भी एक देश है, कुछ भी ऐसे मार्क कर दिया। अब आप उस बॉल को नाइफ से कट कर दो या फिर सीजर से आपने कट कर दिया, क्या वो जो सर्कुलर बॉल है, जो आपकी स्फेरिकल बॉल है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेन हो जाएगी? तो देखो, एग्जैक्टली प्लेन तो नहीं होती है, सर्कल को एग्जैक्टली फ्लैट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो मतलब ज्योग्राफी के लोग हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक तरह से ट्राई किया है उस राउंड शेप को फ्लैटन करने का, ठीक है? कंप्लीटली तो नहीं हो पाया है, बट हाँ, हमारा काम चल जाए इतना हो पाया है। तो जब आप ग्लोब देखोगे आपकी बुक में, जो पहले आपने सेकेंड चैप्टर में ग्लोब देखा है, आप एक बार उसे खोलो, तो वो क्या है, वो ऐसे सर्कुलर है। यही सारे जो कंट्रीज, ये कॉन्टिनेंट के आपके हिस्से हैं, वो आपने ऐसे छोटे छोटे बने हुए देखे हैं, ठीक है? अब वही उन्होंने फ्लैट कर दिया, तो ये क्या बन गया, आपका मैप बन गया, ठीक है? वही जो आपका ग्लोब था, यही फ्लैट हुआ है, ठीक है? अब आपका इंडिया अगर आप देख सकते हो तो कहाँ है, ये देखो, इंडिया के नीचे वाला पोर्शन यहाँ है, हम लोग यहाँ एशिया में आते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे हैं बेसिकली, ठीक है? और बाकी यूएसए आपको जो अमेरिका कहते हो, यहाँ पे है, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका है ये, साउथ अमेरिका है, या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है? आपके मतलब की बात नहीं है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसलिए मैप बना। मैप क्या है? एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, अर्थ के सरफेस की ड्राइंग की, ठीक है? अर्थ के सरफेस की ड्राइंग की फ्लैट रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैप कहलाती है, ठीक है? हमें समझ में आ गया। अब मैप क्या होते हैं? मैप बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फ़ायदे होते हैं। मैप क्या बताते हैं हमें? एरियाज के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, नॉलेज इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम फैक्ट्स बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सारे मैप फैक्ट बताते हैं, ठीक है? कोई मैप आपको देखेगा, जैसे ये वाला मैप ले लिया हमने, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इन्होंने बस एक शेड में सारी चीज़ें दिखा दी, ना कोई सिंबल है ना कुछ है, तो आपको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं बता रहा आपको। बस अगर किसी को कॉन्टिनेंट पता हो तो कॉन्टिनेंट आप मार्क कर सकते हो कि कौन कौन से महाद्वीप है हमारी दुनिया में, और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो ये मैप आपको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी मैं आगे आपको मैप दिखाऊंगी इंडिया का, तो कितने सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा तब आपको पता चलेगा। तो अलग अलग तरीके के मैप होते हैं, जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? और उनमें भी क्या होता है, बहुत सारे मैप की एक बुक होती है जिसे आप कहते हो एटलस, ठीक है? शायद आपकी 6th क्लास में एटलस होगी, अगर एटलस नहीं है, ठीक है, तो भी आप प्रैक्टिस के लिए एटलस लोगे, 9th-10th में तो पक्का ही लोगे। तो क्या होती है, मैप की बुक होती है, उस बुक में बहुत सारे मैप ही मैप होते हैं अलग अलग चीज़ों से रिगार्डिंग। तो मैप क्या है, वेरियस साइज, यानी बहुत सारे साइज के, बहुत सारे मेजरमेंट के, अलग अलग स्केल के आपके मैप वो होते हैं, मैप का ग्रुप, यानी एक तरह से आपकी बुक है। आपकी बुक में तो यहाँ पर लाइन्स लिखी हुई है, पैराग्राफ्स आप पढ़ते हो, ठीक है? ये आपकी बुक हो गई। वो बुक जिसमें मैप ही मैप हो उसे आप एटलस कह देते हो, ठीक है? अब वो कह रहे हैं आप इस यहाँ पे इसमें यूज कराया वर्ड स्केल का, अभी स्केल क्या होता है वो भी हम अभी जानेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है? तो अब वो आपको बता रहे हैं कि मैप आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उस बेसिस पे क्या होता है, तीन तरह के आपके मैप होते हैं, तो मैप होते हैं तीन, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो, फिजिकल मैप जो भी चीज़ आपको फिजिकल सिचुएशन बता रही है वहाँ की, जैसे जो भी मैप आपको वहाँ के पहाड़, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस, यानी कि नदी, समुद्र, पहाड़, कहाँ मैदान है, कहाँ मैदानी इलाका है, कहाँ पठार है, ये सारी चीज़ें बताते हैं वो आपको फिजिकल मैप, जो आपको बताते हैं कि फिजिकल फीचर कैसे हैं उस जगह के, ठीक है? कि पहाड़ कहाँ है, ठीक है, मैदान कहाँ है, बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, समुद्र कहाँ है,
ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? फिजिकल मैप, इसमें मतलब एक तरह से समझ लो जो नेचर ने आपको दिया है, जो नेचुरल फीचर्स है, जो भगवान ने आपको दिया है वो वाले, ठीक है। फिर अगर दूसरा मैप देखें वो होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शो करता है आपके शहर, आपकी टाउन, ठीक है, आपका शहर हो गया, आपका छोटा सा कस्बा, इलाका, कुछ भी आपके गाँव है, शहर है, कंट्रीज हैं, स्टेट, राज्य हैं आपके, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज के साथ आपको दिखाता है, वो आपका होता है पॉलिटिकल मैप, ठीक है, यानी कि उसमें बाउंड्रीज होती है। एक होता है आपका थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होता है थीम्स वाला, यानी कि उसमें पर्टिकुलरली ना आपको राज्य दिखाए जा रहे होंगे, ना जगह दिखाई जा रही होगी, ठीक है, ना ही आपको कोई पहाड़ वगैरह ये चीज़ें दिखाई जा रही होंगी। दिखाया क्या जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर थीम पकड़ ली, मान लो आपको कह दिया कि सारी रोड दिखाओ, इंडिया में कितनी रोड्स हैं, तो उसमें क्या होगा, उस मैप में सिर्फ इंडिया का खाली मैप होगा और सारे रोड्स की लाइन्स होंगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो रोड की लाइन्स होंगी ना वो मैटर करेंगी आपके लिए, तो एक थीम पर बन गया, थीम यानी कि एक टॉपिक पर बन गया। अगर मान लो आपको बताना है कि भारत में बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होती है, तो उस मैप में क्या होगा, आपका इंडिया का मैप होगा, आप उसमें हर जगह क्या करोगे, जहां जहां बारिश तेज होती है वहां ज्यादा एक कलर कर दिया, जहां हल्की होती है वहां दूसरा कलर कर दिया, तो आप उस कलर के हिसाब से बारिश बता रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने वाले मैप होते हैं उन मैप को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप। कि जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जंगल जंगल बताओ कहाँ पे है, टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, मान लो आपको पता है टाइगर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश वाले इलाके को और महाराष्ट्र के राज्य को आपने शेड कर दिया, ठीक है, बाकी आप किसी को नहीं करोगे। तो थीमेटिक क्या है, जो कोई एक थीम पे बेस होते हैं, ठीक है। तो एक बार कुछ मैप के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये क्या है, आपका फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप कैसा है, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, सबसे पहले बेसिकली यहाँ देखो ब्राउन कलर से दिखा रहा है वो पहाड़ी इलाका जो हिमालय वाला है, ये वाला और ये वाला। इसमें इन्होंने मैटर नहीं करा है कि यहाँ तक जम्मू कश्मीर था, यहाँ से अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शुरू हो गया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ पहाड़ दिखाने तो पहाड़ दिखा दिए, ग्रीन कलर से अगर मैदान दिखाने तो मैदानी इलाका दिखा दिया, ठीक है, येलो कलर से अगर कुछ और दिखाना है कि ये पठार वगैरह है ये दिखा दिया, ठीक है। ब्लू कलर की जो लाइन्स हैं जो थोड़ी कम कम दिख रही होंगी आपको, लेकिन ये ब्लू कलर की लाइन्स हैं यहाँ पे जो नदियाँ दिखा दी हैं, तो यहाँ से आपको नदियाँ दिखा दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ना राज्य मैटर कर रहा है कि किस राज्य का मैप है, ना ये मैटर कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ जो नेचुरली भगवान ने हमें दिया है वो दिखाया गया है। पॉलिटिकल मैप कौन सा है, ये वाला। ये पॉलिटिकल मैप क्यों है, क्योंकि देखो बेसिकली इसमें क्या बता रहा है, राज्य दिखा रहा है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। तो ये क्या है, आपको आपके राज्य दिखा रहा है ना, आपका जो सभी राज्य आप बताओ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश है एक राज्य है, दिल्ली में कोई रहता होगा, उत्तराखंड में कोई रहता होगा, हरियाणा में कोई रहता होगा, राजस्थान में कोई रहता होगा, मध्य प्रदेश में कोई रहता होगा, ठीक है, तो आप अपना राज्य देख सकते हो। तो क्या है इसमें, इन्होंने पॉलिटिकली बताया है, ठीक है, पॉलिटिकली जगह का नाम, जगह दिखाई गई है, ठीक है, जो मान लो एक तरह से इंसान ने बाउंड्रीज बनाई है वो वाली, यहाँ पे भगवान वाली बाउंड्रीज है, इंसान वाली बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्या गया, इस वाले मैप में भले ही आपको राज्य शो कर रखे हैं, लेकिन जो ये चीज दिखाना चाह रहे हैं, इस थीम पे दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, पहला है येलो कलर से दिखाए गए जहाँ पे ड्रॉट यानी कि अकाल पड़ता हो। तो देखो येलो कलर हल्का सा गुजरात में है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, ठीक है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और गोवा में है, थोड़ा सा तमिलनाडु में है। तो इसमें मैटर ये नहीं करना कि पूरा राज्य करना है तो पूरा राज्य ही करना है, राज्य दिखाना है तो राज्य दिखाना है, जी नहीं, आपकी थीम ले ली इन्होंने कि इन्हें क्या दिखाना है, मान लो अकाल वाले इलाके बताने के जहाँ पे अकाल पड़ जाता है, ठीक है, जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होता, ड्रॉट आ जाती है, ड्रॉट पड़ जाती है, ठीक है। तो कहाँ देखो येलो येलो शेड का है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य में, ये नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में, सिर्फ यूपी में ही दे रखा है, ठीक है, अलग अलग इलाकों में दे रखा है जहाँ पे भी बाढ़ के संकेत हो सकते हैं या फिर बाढ़ आ सकती है, ठीक है। तो ये होता है थीमेटिक मैप। तो फिजिकल कौन सा हुआ, सिर्फ नेचुरल चीजें जो दिखाता है, ठीक है, और पॉलिटिकल कौन सा हुआ, जो इंसानों वाली चीज़ें दिखाता है, बाउंड्रीज वगैरह, ठीक है। थीमेटिक क्या हुआ, जो एक थीम दिखाता है, यहाँ तो फिर भी इन्होंने नेचुरल चीज़ें दिखा दी कि बाढ़ वगैरह है, इसके अलावा अगर रोड दिखानी होती कि कौन सी रोड है, कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे डैम बने हुए हैं, कहाँ टाइगर मिलते हैं, कहाँ कुछ और मिलता है, अगर कोई भी थीम होती, कोई भी एक टॉपिक होता, उसके मैप को आप थीमेटिक मैप कहते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि मैप में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्या तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। आपको ये तो पता हो कि अगर आपको ए जगह से बी जगह पे जाना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कि ए से बी की दूरी कितनी है, ए से बी कौन सी डायरेक्शन में। अगर मान लो पता चल गया, दूरी पता चल गई आपको 5 किलोमीटर्स है, अब आपको ये नहीं पता कि आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, यानी कि नॉर्थ जाऊँ, ईस्ट जाऊँ, वेस्ट जाऊँ या साउथ जाऊँ, आपको यही नहीं पता, तो आप पहुँचोगे नहीं कभी भी तक। उसके बाद आपको ये नहीं पता बी दिखता कैसा है, बी है क्या, अगर मैं पहुँच भी गया कोई जगह पर मैं बी को ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, तो बी के लिए कुछ जो सिंबल है मुझे वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस चाहिए मुझे, डायरेक्शन चाहिए और मुझे सिंबल चाहिए। तो अब ये क्या होता है, इन्हें थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। अब देखो आपको पता है आपकी दुनिया इतनी बड़ी है, आपका देश इतना बड़ा है, ठीक है, अगर आप जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो आपके घर से
ठीक है, आपके स्कूल की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स। कितनी है? 15 किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर में तो हो ही सकती है, 15 किलोमीटर भी हो सकती है। अगर मैंने आपको बताया मैप में बताऊं, अब मैप में भी अगर आप 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर बनाओगे तो आपको पूरे रास्ते जितना कागज़ लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली तभी बनाओगे। पूरे रास्ते जितना कागज़ लोगे, पूरी इतनी बड़ी लाइन बनाओगे, ठीक है, फिर घर बनाओगे यहाँ पे एक जगह और एक जगह स्कूल बनाओगे 15 किलोमीटर ऐसे। तो ऐसे क्या मैप पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक स्केल लोगे, स्केल लेने का मतलब क्या होगा कि आप इसे पहले ही डिसाइड कर दोगे कि 1 सेंटीमीटर अगर मैं ड्रॉ करूँगा अपने स्केल से, ये वो होगा 15 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो अगर आपने स्केल से ले लिया, यहाँ पे आपने अपना घर बना दिया, यहाँ पे आपने अपनी बिल्डिंग बना दी और स्केल से मेजर कर लिया कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर आपने ऊपर मेंशन कर दिया, 1 सेंटीमीटर मतलब 15 किलोमीटर है। तो सब कोई भी छोटे से मैप में भी आपको देख के पहचान जाएंगे कि अच्छा इन दोनों के बीच की जो जगह है वो है 15 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केल में नापी जाती है। जैसे आपने अपने स्केल देखा ही आपने, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो अभी निकालो बैग से, जहाँ पे भी किट विट में आपका स्केल पड़ा होगा उसमें क्या होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। फिर आप उससे मेजर करते हो, लाइन वगैरह खींचते हो, जो भी है। वही जो स्केल है, वही जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसे ही आप स्केल मानते हो कि 1 सेंटीमीटर इसका जो 15 किलोमीटर है या कुछ भी है। और हर मैप का अपना खुद का अलग स्केल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केल की डेफिनेशन दे रखी है। स्केल होता क्या है? तो स्केल एक्चुअल में रेशो होता है। स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे जितनी डिस्टेंस है और मैप में हमने जितना दिखाया है उसका एक रेशो होता है। यानी कि उसे अगर नापोगे तो किसके कंपैरिजन में नापोगे, ये आपको एक स्केल बताता है, ठीक है। अलग अलग मैप के अलग अलग स्केल हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैप भी आपको दिखा चुकी हूँ, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने फिर वही एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो कि आपके स्कूल की और आपके घर की डिस्टेंस है, इन्होंने दे दिया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आप बना तो नहीं सकते, तो आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची और कह दिया कि ये 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर आपका 5 किलोमीटर शो कर रहा है ना। अगर 2 सेंटीमीटर आपका 10 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना शो करेगा, 10/2, यानी कि 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपका 5 किलोमीटर शो कर रहा है। तो स्केल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। अब चाहे आप कितने भी सेंटीमीटर खींच लो, उस हिसाब से डिस्टेंस निकाली जा सकती है, ठीक है। अब कोई भी बड़ा एरिया है, जैसे आपको कॉन्टिनेंट है, यानी कि आपको पूरा एशिया दिखाना है मैप में, ठीक है, पेपर पर शो करना है, तो आप क्या करोगे, छोटे स्केल लोगे, स्मॉल स्केल वाला मैप लोगे। स्मॉल स्केल मैप का मतलब क्या है कि छोटा सा ही चीज़ आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर है ही आपको 500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर देंगे। यानी कि छोटा मतलब जो स्केल है वो आपने बहुत ही छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर की आपकी जो जितनी भी दूरी है, अगर मैंने इसमें 5 ब्लॉक्स बना दिए तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसी में ही 500 किलोमीटर, यानी कि इतना सा एरिया 100 किलोमीटर शो कर रहा है। तो हिस्से तो बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटा छोटा हिस्सा आया 100 किलोमीटर के उसमें, ठीक है। एक तो हो गया आपका स्मॉल स्केल मैप, दूसरा है आपका लार्ज स्केल मैप कैसा है। अगर मान लो आपने कॉन्टिनेंट शो करा तो आपको क्या करना पड़ गया, आपको क्या करना पड़ गया, 1 सेंटीमीटर को ही आपको 100 किलोमीटर दिखाना पड़ गया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है, अब आप 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर ही दिखा रहे हो, सिर्फ मीटर दिखा रहे हो, ये किलोमीटर है, ये सिर्फ मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो समझ लो कि अब जो आपका 5 सेंटीमीटर का स्केल है, आपने इसके 5 हिस्से करे, ये आपका 5 सेंटीमीटर का स्केल हो गया। अब जो आपका एक हिस्सा है वो सिर्फ 100 मीटर दिखा रहा है, सिर्फ 100 मीटर, यानी कि कंपेरेटिवली ज़्यादा जगह मिल गई ना। स्मॉल स्केल मैप पे बड़ी चीज़ें दिखाते हो आप, ठीक है, बड़ा एरिया दिखाते हो, और बड़े स्केल मैप पे, यानी कि लार्ज स्केल मैप में आप छोटी छोटी चीज़ दिखाते हो, क्योंकि आप उन छोटी चीज़ों को जूम करके दिखा सकते हो, यानी कि उसमें ज़्यादा, इसके हिस्से में ज़्यादा जगह आएगी और इसके हिस्से में कम जगह आएगी, ठीक है। अब इसको एक समझ लेते हैं इस वाली जगह से। अगर मान लो इंडिया के मैप में आपने यूपी को शो करा, ठीक है, तो देखो इतने बड़े इंडिया के मैप में यूपी छोटा सा रह गया। अब आप इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका, स्मॉल स्केल मैप है। कौन सा मैप है? स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि यूपी को जो जगह है वो थोड़ी कम मिली है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यूपी की अपनी जगह कम हो चुकी है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी कम ही दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अब देखो पता नहीं लगा सकते कि कौन सी जगह क्या है, बस यहाँ पे लाइन लाइन सी थोड़ी बहुत दिख रही है हमें ये नहीं पता कि कौन सी जगह है कौन सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूपी का अकेला मैप ले लूँ, अगर आप यहाँ देखो, अब ये सिर्फ यूपी का मैप है, तो इससे क्या हुआ कि एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया कवर करने वाला हमारा, ठीक है। एरिया जैसे ही छोटा हो गया तो एक हिस्से को ज़्यादा जगह मिल गई। अब एक हिस्से को ज़्यादा जगह मिलने का मतलब लार्ज स्केल मैप, कौन सा मैप है ये, लार्ज स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप ज़्यादा जगह दिखाती है, ज़्यादा चीज़ें दिखाती है, ज़्यादा चीज़ें अभी क्या क्या दिखा रही है, ये आपको पूरी यूपी का वो बता रही है, नक्शा बता रही है कि पश्चिमी प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है,
बुंदेलखंड वाला इलाका कौन सा है, ठीक है, अवध वाला प्रदेश कौन सा है, और पूर्वांचल किसे कहते हैं। तो यूपी के अंदर की सारी डिटेल्स हमें कब पता चली, जब हमने लार्ज स्केल मैप की बात करी। तो लार्ज स्केल मैप में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो थोड़ी कम जगह को, कंपेरेटिवली थोड़ी कम जगह को शो करता है, और स्मॉल स्केल मैप ज़्यादा जगह को एक साथ शो करता है, लार्ज स्केल मैप कम जगह को शो करता है लेकिन उस कम जगह को भी बहुत सारा स्पेस दे देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मेरठ है, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरठ है, गाज़ियाबाद है, जो भी है, अलीगढ़ है, मथुरा है, ठीक है, कानपुर, कन्नौज, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल स्केल मतलब जब बड़ी जगह को हमें बहुत ही छोटे छोटे स्केल में दिखाना पड़ता है, और लार्ज स्केल मतलब जब हम जितनी भी जगह है उसे हम ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं, वो लार्ज स्केल में, ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको सुना तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या कहाँ होती है हमें, ये कौन से डायरेक्शन कहाँ है। तो एक पहचान बना लो, कब भी देखोगे तो फोर बनाना, ऐसे वाला फोर बनाना, ये वाला फोर स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ भी डाउट हो आप ये बना दो, ठीक है। कहीं जाना है मुझे, ए प्लेस से बी प्लेस जाना है, मुझे पता चल गई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं इधर चली गई 5 किलोमीटर तो नहीं पहुंच पाऊंगी ना बी तक, अगर मुझे जाना है तो मुझे डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मुझे किस साइड जाना है। तो आपने कई मैप में देखा होगा कि ऊपर कुछ ब्लैक कलर की निडल सी होती है, ठीक है, सुई सी होती है ब्लैक कलर की ऊपर, ठीक है, वो ज़्यादातर नॉर्थ को दिखाती है। किसे दिखाती है? नॉर्थ को दिखाती है, ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर पर बनी हुई होती है, जिसे आपके ऑफिस है नॉर्थ लाइन, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेनली चार डायरेक्शन होती है जिन्हें आप पॉइंट्स, ठीक है, क्या कहते हो आप उन्हें, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हो, जो आपकी मेनली चार हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या कहते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी, ठीक है। और अगर इसमें भी आपको स्पेसिफिक जानना है, अगर मान लो कोई जगह यहाँ पे तो आप कह दोगे नॉर्थ में, कोई यहाँ पे तो आप कह दोगे ईस्ट में, कोई यहाँ पे तो आप कह दोगे साउथ में, कोई यहाँ पे तो आप कह दोगे वेस्ट में, कोई जगह यहाँ पे भी तो हो सकती है, इस साइड भी तो हो सकती है, तो आप इसे क्या नाम दोगे? तब आप इसे नाम दोगे इन दोनों के बीच का, नॉर्थ ईस्ट, क्या कह दोगे इसे नाम? नॉर्थ ईस्ट। इस यहाँ पे तो क्या नाम दोगे? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे तो क्या नाम दोगे? वेस्ट साउथ। अगर आप यहाँ पे तो साउथ ईस्ट, ठीक है, ऐसे नाम देते हो। तो ऐसे आप और भी ज़्यादा बांट के उसे थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो। और ये जो बीच वाली अभी डायरेक्शन बनाई ना आपने, ठीक है, ये जो आपने अभी बीच वाली डायरेक्शन बनाई थी, इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। मेनली चार कौन से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके बीच वाली डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम? इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। आगे हमें समझ में, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? मैप दे रखा है, एक विलेज का मैप, ओके, ठीक है, देख लो यहाँ पे ट्री कहाँ है, कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, ये सब चीज़ें, मैप ऑफ अ विलेज दे रखा है। फिर आपको बता रहे हैं कि डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो। ये जो मैंने आपको ये वाला डायग्राम तो बता दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बीच वाला है, तो आप ऐसे बीच में नाम दे सकते हो, ये तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि एक तो तरीका है ऐसा कि आप खुद ही नॉर्थ मेंशन है, उसके बाद आप देख लो इधर उधर इधर उधर। एक है आपके पास, एक मतलब इन्वेंशन हो चुका है कंपास का, आपको पता ही है, आपके फ़ोन में भी आजकल कंपास आ चुका है। वो क्या करता है, इसकी निडल शो करती है नॉर्थ डायरेक्शन को, और दूसरी निडल अपोजिट निडल शो करती है साउथ डायरेक्शन को। अब आपको अगर नॉर्थ पता चल जाएगा तो आपको पता है इस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। अगर आपको साउथ भी पता चल जाएगा तो भी आप निकाल लोगे कि उसके पीछे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपास होता है ये हमेशा शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और इसका अपोजिट वाली लाइन शो करती है साउथ डायरेक्शन की ओर, जिससे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। और इसका नाम दे रखा है कंपास, कंपास से पता लगा सकते हो, ठीक है। अब इस मैप में आपसे कुछ एक्टिविटीज करने को दे रहा है, आपको बताना है कम्युनिटी सेंटर किस डायरेक्शन में है। अब देखो कम्युनिटी सेंटर कहाँ है आपका, देखो कम्युनिटी सेंटर यहाँ है ना, और ये वाला डायरेक्शन यहाँ पे इसने बता भी रखे कि नॉर्थ है, ये देखो ये बता रखी नॉर्थ, बता रखी है ना, तो ये कम्युनिटी सेंटर कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। ई पार्ट में आपसे कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, शॉप से स्कूल की डायरेक्शन कहाँ है, शॉप से स्कूल को देखो आप, ठीक है। तो देखो आपकी शॉप कहाँ है, ये रही आपकी शॉप, स्कूल कहाँ है, ये रहा। अगर आप वैसे देखो, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है तो वैसे यहाँ पे क्या पड़ेगा? ईस्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल अपने, वैसे तो सामने फ्रंट पे चल रहे हैं हम, तो ये आपका ईस्ट ही पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या है ये? ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। अगर मैं पूछूँ पीओ कहाँ है तो आपको नॉर्थ, और नॉर्थ में भी कहाँ? यहाँ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। तो पीओ कहाँ है? पीओ कहाँ है? वेस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ना नॉर्थ में है ना वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। ये विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर कहाँ है? साउथ में पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑर्चार्ड कहाँ पड़ रहा है? साउथ ईस्ट में पड़ रहा है ना, यहाँ पे बीच में है, ठीक है ना, प्रॉपर साउथ में है आपका बगीचा, ना ईस्ट में, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के क्या सीन है? कंपास हम देख चुके हैं, सिंपल सी बात करते हैं। अब देखो आपको ये पता चल गया ए से बी कितना दूर है, ठीक है,
ठीक है, आपको ये पता चल गया ए से बी किस डायरेक्शन में। अगर आपको ये नहीं पता बी दिखता कैसा है तो आप पहुँचोगे ही नहीं। तो अगर आपको ऐसे कोई सिंबल्स दिखा ऐसी कोई चीज़ें दिखानी है तो आपको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की बिल्डिंग दिखाओ मुझे मैप में, ठीक है, अगर आपने उतना ही बड़ा स्कूल बनाया जितना बड़ा आपका स्कूल है तो आपको कितना बड़ा मैप चाहिए, जितनी बड़ी आपके स्कूल की ज़मीन है, तो ऐसे क्या मैप पॉसिबल है? नहीं है। तो आप मैप के लिए एक सिंबल यूज़ करोगे, मान लो कैसी भी बिल्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वैसे तो कन्वेंशनल साइन बन जाते हैं, यानी कि एक कुछ साइन ऐसे तय करे गए हैं जो उन साइन का यूज़ ही मैप में होता है, जो कोई भी मैप को समझ ले इसलिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बनाना मैप में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए क्या रखा गया है, कुछ सिंबल रखे गए हैं, जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, पेड़ है आपका, रेलवे लाइन है, कुआ है, कुछ और है, तो इन सब के लिए क्या है, कुछ निशान तय करे गए हैं। वो निशान, वो सिंबल्स क्योंकि यूनिवर्सल है, यानी कि हर कोई उन्हें समझ सकता है, हर कोई उन्हें जान सकता है, और पूरा इन्होंने क्या करा है, इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट करवाया है, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। कन्वेंशनल सिंबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तय करा गया है कि इसका मतलब ये होगा। तो अगर कोई भी ऐसी जगह पहुंच गए आप कि आपको उस देश की लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी आप वहां के मैप से पता लगा सकते हो कि कोई जगह कहां है, क्यों, क्योंकि कन्वेंशनल सिंबल तो होंगे, किसी को भले ही भाषा ना आती हो वहां की, सिंबल समझ में आएंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं, तो हर जगह वही यूज होते हैं। तो कुछ सिंबल यहां पे दिखा रखे हैं, कैसे कैसे हैं, देख लो यहां पे कौन कौन से सिंबल हैं, रेलवे स्टेशन मीटर गॉज और जो आपका ब्रॉड गॉज है उसके सिंबल दे रखे हैं, ठीक है, जो आपको मेटल और अनमेटल रोड है, यानी कि जो पक्की सड़क है उसका सिंबल ये होता है, कच्ची सड़क का सिंबल ये होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल ये होता है, स्टेट की बाउंड्रीज है तो इसका सिंबल ये होता है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज है तो इसका सिंबल ये होता है, कभी भी आप मैप में खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिवर को कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, वेल कुएं को ऐसे काला काला दिखाना है, टैंक को ऐसे दिखाना है, कैनाल को नहर यानी कि एक तरह से उन्हें ऐसे दिखाना है, पुल है तो उसे ऐसे दिखाना है, ठीक है, अगर कोई मंदिर है तो उसे ऐसे दिखाते हैं, चर्च है तो उसका सिंबल ये है, मॉस्क है तो उसका सिंबल ये है, जो आपकी छतरी है, ठीक है, उसका सिंबल ये है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस को आप पीओ लिख दोगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिख दोगे, पुलिस स्टेशन को आप पीएस लिख दोगे। उसके बाद सेटलमेंट है, कहीं लोग बसे हुए हैं तो ऐसे सिंबल है, ग्रेवयार्ड है यानी कि जो कब्र है उसका सिंबल ये है, पेड़ है कहीं पर तो उसका सिंबल ये है, और ग्रास है कहीं पर घास है तो उसका सिंबल ये है। तो ये कुछ जनरल सिंबल है जो कि कन्वेंशनल साइन है, क्यों, क्योंकि ये सबने एग्री करे हैं। हर मैप पर अगर आपको कुछ ऐसा है, आपको किसी दूसरे देश का मैप देखने को मिल जाए तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है, जैसे कि आपने हर मैप में देखा, जैसे पानी दिखाना है तो ब्लू कलर से दिखा दोगे, अगर कोई वो मतलब माउंटेन दिखाना है तो ब्राउन कलर से दिखा दोगे, येलो है तो प्लेटू को आप येलो से दिखा दोगे, ग्रीन कलर से आप प्लेन्स दिखा दोगे। तो मैंने आपको यहाँ पे जो मैप दिखाया था उसमें भी तो कुछ ऐसे ही है, देखो इस वाले मैप में, ठीक है, जो नदियाँ हैं वो ब्लू कलर से हैं, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है ना, ये भी ब्लू कलर से था लेकिन वो थोड़ा फिल्टर हो चुका है इसलिए ब्लू नहीं दिख रहा है, वो ब्लू ही था, ठीक है। देखो यहाँ पे माउंटेन्स दिखा दिए ब्राउन कलर के, मैदान दिखा दिए ग्रीन कलर के, प्लेटू दिखा दिए येलो कलर के, यही अभी हमने पढ़ा कि कुछ जो है फिक्स है कि किस कलर से आप क्या दिखाओगे, ठीक है, जिससे चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ये सुंदरपुर एक गाँव है, सुंदरपुर विलेज है और उसके आसपास का इलाका है, ठीक है, तो देखो सुंदरपुर गाँव ये रहा और उसके आसपास का इलाका ये रहा। वो आपसे पूछ रहा है कि आप अगर पहचानोगे तो आप कैसे पहचानोगे चीज़ें, तो कुछ एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, बाकी आप खुद खोजना। आपको बताना डायरेक्शन रिवर की, रिवर की डायरेक्शन किस साइड है, तो देखो रिवर किस साइड बह रही है, रिवर देखो यहाँ नीचे की साइड बह रही है, तो ये कौन सा साइड है उसका, साउथ की साइड बह रही है रिवर, ठीक है, ओके समझ में आ गया। फिर वो आगे कह रहा है यानी कि आपको सिंबल समझना है एक तरह से। फिर वो दूसरा कह रहा है कि विलेज जो डुमरी है, डुमरी विलेज से कौन सी रोड होकर गुजरती है, तो देखो डुमरी विलेज कहाँ है, ये रहा आपका डुमरी विलेज, ठीक है, इसके आसपास की सड़क कौन सी है, एक तो यहाँ रेलवे स्टेशन है ये तो अलग है, सड़क बतानी है आपको, ये रही आपकी सड़क और ये रही आपकी सड़क, पक्की सड़क है ना पूरी, मेटल्ड रोड है, ठीक है, हमें समझ में आएगा किससे, सिंबल से। अनमेटल्ड रोड का सिंबल क्या है, ये रहा, मेटल्ड का सिंबल क्या है, ये रहा, ठीक है। इसके अलावा देखो पोस्ट एंड टेलीग्राफिक ऑफिस ये रहा, पुलिस स्टेशन ये रहा, रेलवे स्टेशन का सिंबल ये रहा, ठीक है। आपको ये पता है ये कौन सा है, बताओ ये मंदिर है, मस्जिद है, क्या चीज़ है, आप देखो फिर से सिंबल को और आपको पता चलेगा। कब्र कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है, पोंड कहाँ है आपके, तालाब, लेक वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपको समझ में आ गया इन सिंबल्स को देखना, ठीक है, सिंबल्स को देखना समझ में आ रहा है ना। पेड़ कहाँ है आपके, ये देखो ट्रीज का सिंबल अलग दे रखा है, ये ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या, ये सिंबल्स ही तो है, इससे आपको पता चल गया। अगर मान लो मुझे एक एक पेड़ बनाना होता तो मैं इतना बड़ा पेड़ बनाती कि जितना बड़ा पेड़ जमीन पे है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिंबल जरूरी होते हैं, ठीक है। बाकी और भी दो तीन एक्टिविटीज हैं, इनकी और भी दो तीन चीजें छाटनी है, वो आप बाद में खुद छाटते हैं ना, सेम उसी आइडिया पे है। अब देखो आप कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं है
कि आपको स्केल पता हो कि एग्जैक्टली आपको इतना ही डिस्टेंस बताना है जितना डिस्टेंस है, वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जगह का ऑब्जर्वेशन फिर भी करना है। यानी कि मुझे किसी एक जगह से ए जगह से बी जगह पे जाना है, यानी कि मान लो मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, मुझे पर्टिकुलरली किलोमीटर नहीं जानने, मीटर नहीं जानने कि इतना मीटर चलूँ, चार कदम रखूँ, पाँच कदम रखूँ, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि बस मुझे ये पता चल जाए कि किस साइड को होकर गुजरना है, ठीक है। जब स्केल मैटर नहीं करता, आपका जो नापने वाली स्केल है वो मैटर नहीं करती, सिर्फ जगह का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है। उस आइडिया के लिए कभी कभी आप क्या कर सकते हो, रफ मैप बना सकते हो। वो जो आपकी रफ ड्राइंग होगी ना, वो आपको स्केच मैप कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केच मैप। स्केच मैप में ज़रूरी नहीं होता कि आप स्केल यानी कि बिल्कुल पर्टिकुलर नाप के बनाओ, ठीक है। जब आप वैसे नॉर्मल मैप बनाओगे और अगर उसमें आप स्केल दे रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई 5 किलोमीटर की जगह है, ठीक है, और आप उसे 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हो, तो कोई 1 किलोमीटर की जगह है तो आप उसे 1 सेंटीमीटर से ही दिखाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो कंपैरिजन है वो सही हो पाएगा, वरना आपका मैप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको स्केल इक्वल रखना है हमेशा, ठीक है। स्केच की बात करें, मैं आपको बता चुकी हूँ, बिना स्केल के जो ड्राइंग आप बना सकते हो। जैसे जब हमें, मतलब जब मैंने कभी ये बहुत पहले पढ़ा था चैप्टर, तब हमें बहुत शौक चढ़ा था, तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते थे कि जब तो इस वाले मंदिर से ना ऐसे सीधे सड़क पे जाएगी और ऐसे अंदर आएगी, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ प्लॉट दिखेगा, यहाँ पे एक जंग, मतलब एक खाली जगह मिलेगी, यहाँ पे मेरा घर होगा। तो क्या करेगी, मंदिर से इधर आई हो फिर इधर आई हो, तो ये क्या है, मैंने नहीं बताया कि 3 कदम चलने हैं, 30 कदम चलना है, या 5 मीटर चलना है, या 18 मीटर चलना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बस मैंने एक रफ स्केच बना दिया कि ऐसे, फिर मैंने बता दिया कि या फिर तुम मंदिर से इधर को आ जाना, ठीक है, उसके बाद इधर आ जाना, तो पहला घर मेरा ही पड़ेगा जो आपको जंक्शन पर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली स्केच है ये, जिसमें कि स्केल पर्टिकुलर नहीं दे रखा, ठीक है। ऐसे आप अपने फ्रेंड को बता भी सकते हो, अगर आप बताओगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जब भी आपके फ्रेंड कभी घूमने हैं तो उन्हें ज़रूर बताना। अब क्या होता है, एक प्लान की बात करते हैं। जब भी आप घर बनवाते हो अपना, तो रूम की प्लानिंग करते हो, ठीक है। कभी कभी क्या करते हो आप अपने घर में, क्या करते हो अपने ही रूम में, बेड इधर से इधर खिसकाना है, ठीक है, सोफाज कहीं और खिसकाने हैं, टेबल कहीं और रखनी है, तो आप प्लानिंग करते हो कि कहाँ क्या रखना है। तो वो जो छोटी बहुत ही स्मॉल एरिया की जब बात करते हैं और उसे आप बड़ी जगह पे दिखाते हो, उसे आप प्लान कहते हो। प्लान क्या होता है, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े स्केल पे जब आप बहुत ही छोटे एरिया की बात करते हो, वो आपका प्लान बन जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल में आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट जानो, ठीक है। तो जैसे आपके रूम का लेंथ और ब्रेथ आपको पता होनी चाहिए कि कितना लंबा घर है मेरा, कितना चौड़ा है, मान लेने कि इस वाली ड्राइंग को अगर आप स्केल के मेजरमेंट में लोगे तो प्लान है। तो स्केल ज़रूरी कहानी है, आपको सिर्फ स्केच में स्केल ज़रूरी नहीं है, प्लान में भी ज़रूरी है और मैप में तो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। मैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं आपको पता है, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल है, ओके। कार्डिनल डायरेक्शन कौन से होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पता है। स्केल ऑफ द मैप क्या होता है, स्केल एक तरह का रेशो होता है एक्चुअल डिस्टेंस में और जो मैप पर डिस्टेंस है उसका। एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे है और जो मैप पर डिस्टेंस है उसका जो रेशो होता है वही आपका स्केल होता है, ठीक है। मैप क्यों यूजफुल है, ग्लोब से, क्योंकि जो ग्लोब है, जब आप ग्लोब को फ्लैटन करते हो उसके बाद आपको मैप निकल के आता है। ग्लोब में आप एग्जैक्टली चीज़ें नहीं जान सकते हो, मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, ज़्यादा चीज़ें आपको डीपली पता चल पाती हैं। मैप और प्लान में अंतर क्या होता है, जो मैप है वो किसी बड़े एरिया का छोटा रूप होता है और जो प्लान है वो छोटे से एरिया को आप लार्ज स्केल पे दिखाते हो, ठीक है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी स्केल है, इसमें भी स्केल है, लेकिन क्या है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, ये बड़े एरिया को मेजर करता है, बड़ी सारी चीज़ें दिखाता है, ये कम एरिया को फोकस करता है और उस कम एरिया की चीज़ें दिखाता है सिर्फ, ठीक है। अब मैप आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, विच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अच्छा कौन सा मैप आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता है जो लार्ज स्केल मैप होता है। क्यों लार्ज स्केल मैप, क्यों, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या है, छोटे से एरिया को काफ़ी ज़्यादा स्पेस देके बनाया गया है, ठीक है। जैसे आपने, हमने अभी देखा था यूपी वाला, कि जब आपने खाली यूपी वाला मैप देखा तो उसमें आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाई, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, लार्ज स्केल मैप में, ओके। अब क्या, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप, आप रीडिंग करने के, मैप को पढ़ने के लिए सिंबल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी जगह का लैंग्वेज नहीं आती है तो आप सिंबल से पहचान सकते हो, अगर आपको मैप बनाना है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली वही फिगर उतने ही मेजरमेंट के नहीं बना सकते हो, तो आपको किसी सिंबल की जरूरत होती है। आप मैप पे वो चीज़ लिख भी नहीं सकते हो, लिखोगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आए किसी जगह की, लिखोगे तो लिखने में ज़्यादा जगह जाती है एज कम्पेयर टू छोटा सा सिंबल ड्रॉ करने में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं करेक्ट
आपका ऑप्शन क्या है, कौन सा जो मैप है वो आपको जंगलों का डिफॉरेस्टेशन वो दिखाएगा डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे कौन कौन से जंगल है। तो एक है थीम वाला बेस्ड है, थीम मैप है, फॉरेस्ट दिखाने हैं आपको तो थीमेटिक हो गया, ठीक है। उसके अलावा ब्लू कलर से आपको क्या दिखता है, ब्लू कलर से आपको वाटर बॉडीज दिखती हैं आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया वाटर बॉडीज, ठीक। देखो यहाँ पे आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कंपास किस काम आता है, डायरेक्शन को ढूंढने के लिए आपको पता है। स्केल क्या है, स्केल किसके लिए जरूरी है, मैप के लिए जरूरी है, स्केच के लिए तो जरूरी नहीं है, बिना स्केल काम हो जाएगा सिंबल, तो सिंबल में स्केल का क्या काम, मैप के लिए जरूरी है आपका स्केल, ठीक है। आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आप अपने क्लासरूम का एक प्लान बनाओ कि जैसे आपकी क्लास है कहाँ पे टीचर की टेबल पड़ी रहती है, कहाँ बोर्ड है, कहाँ चेयर है, कहाँ आपकी टेबल चेयर है, कहाँ एडकॉन वगैरह है, एक्स्ट्रा मार्क्स अगर है तो कहाँ पे, अगर कुछ अलमीरा रखी है तो अलमीरा वगैरह कहाँ है, तो आप ये पूरा प्लान बना सकते हो, बहुत ही मजा आता है, आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने स्कूल का भी स्केच बना सकते हो, स्केच बनाना है, ठीक है, कि आपको प्रिंसिपल रूम कहाँ है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, प्लेग्राउंड कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, बड़े बड़े पेड़ कहाँ है, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ है, तो इस तरह से आप उसके प्लान बना सकते हो। बैठो, एंजॉय करो, मजा आएगा जब आप प्लान बनाओगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो इसके साथ हमने यहाँ पे क्या देखा कि मैप में कौन कौन सी चीजें, मैप के टाइम्स देखे, मैप के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स देखे, ठीक है, स्केल कहाँ पे जरूरी है, कौन सा नहीं, स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है, ये सब हमने देखा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप बता सकते हो, आपको नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।